इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी के अंदर हमारे सिटी में अटैक कर दिया हॉरर डॉल चुकी ने, और हमारे सिटी के लोगों को ये अपनी नाइफ से मारती जा रही है। अगर इसे नए लोग तो हमारे सिटी में तबाही मचा डाले, और फ्रेंकली नॉर्मल इंसान से स्काई टैन में कैसे बदल गया। और साथ में ये भी जानेंगे कि ये डॉल कहां से आई, अपने सिटी को इससे कैसे बचाएंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। ओके गाइस, तो काफी ज्यादा रात हो चुकी है, मैं थक चुका हूँ, कार चलाने में काफी ज्यादा नींद आ रही है। बट एक सेकेंड, यहाँ से किसी का साउंड नहीं, तो कोई भाई मंत्र वंत्र जप रहा हो। मुझे लगता है अंदर कोई ना कोई तो देखो बैठा हुआ है, थोड़ा धुआं भी मुझे दिख रहा है, शायद से कोई तो अंदर भाई बैठा है। बट इतनी रात को इस जंगल में, इस पार्क में कौन बैठा हो सकता है। एक सेकेंड भाई, तांत्रिक यहाँ पर क्या कर रहा है भाई? वो तांत्रिक, तू यहाँ से फटाफट से निकल, अबे जा रहा है या नहीं जा रहा भाई? ये तो कुछ बोल नहीं रहा, ये अपना हवन करने में व्यस्त है। ये ऐसे नहीं मानने वाला, इसको मैं कार में चढ़ा दूंगा, ये यहाँ पर नहीं गया तो। ये गायब हो चुका है, अभी ये गया किधर? अभी तो यहीं पर था ये। बट एक सेकेंड, यहाँ पर मैं डैशबोर्ड में देखो, ये डॉल जो थी, डॉल पहले थी नहीं यार, शायद से किसी रख, किसी बच्चे ने रख दी होगी यार, शायद से पहले से रखी होगी, मैंने अभी ध्यान दिया है। चलते फटाफट से, काफ़ी ज़्यादा थक चुके, थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब चल रही है, मेरी आवाज़ भी आपको थोड़ी बदली बदली लग रही होगी, तो चलते भाई इग्नोर करना। फटाफट से हम लोग घर तो आ चुके हैं, और ये डॉल भाई पता नहीं कैसे आ गई यार। चलते को बंद रखे थे कार में, और फटाफट से चलते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था, मेरे सारे कपड़े भीग चुके हैं, तो पहले कपड़े चलकर चेंज कर लेते हैं। ओके गाइस, तो लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए, फटाफट चलकर सोते हैं वरना सर्दी हो जाएगी, मुझे काफ़ी देर से सोया भी नहीं हो यार। गुड नाइट। अबे एक सेकेंड भाई, क्या टूटा? अबे मैं तो सो रहा था यार, कुछ गिरने का साउंड आया। भाई कौन है यार घर में? भाई देखो गेट तो खुला हुआ है, शायद से कोई घुस न गया। ओ भाई एक सेकेंड, ये डॉल तो उस कार में थी ना, यहाँ पर कैसे आ गई भाई ये? अबे इसको लेकर मैं बाहर फेंक देता हूँ, ये डॉल मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लग रही, थोड़ी गलत वाइब दे रही है, इसको लेकर इस पानी में फेंक देते हैं। चलते भाई अब आराम से सोते हैं। डॉल पहली बार तो मेरे घर में आई कैसे मुझे भी नहीं पता, और सीधा के सुबह में बैठ गई। गुड नाइट। द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो चुकी है, और भाई साहब आज मुझे जाना है गाँव थोड़ा छुट्टी लेके, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उन्होंने मुझे कॉल किया था। चलते फटाफट से, देखो यहाँ वाले डॉल फेंकी थी, शायद पता नहीं कहाँ गई। चलते फटाफट से भाई अपने सीनियर से भाई बात करते हैं, और देखते हैं। एक सेकेंड, मैंने ये डॉल पानी में फेंकी थी भाई, ये इसके अंदर कैसे आ गए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसको भाई यहीं पर छोड़ देते हैं, ये अजीब हो रहा है। पहले भाई सीनियर से बात करते हैं, छुट्टी देता या फिर नहीं देता मुझे। वो सर मुझे गांव जाना था, बट इसके ब्लास्ट का साउंड आया। अबे मेरी डिफेंडर, अबे मेरे दोस्त की कार थी यार, वो मुझे मार डालेगा भाई, उससे मैंने उधार ली थी थोड़े दिन के लिए। अबे यार फटाफट जब टीम लेके कार ले चलते हैं भाई, कुछ ना कुछ इस डॉल में है भाई, ये डॉल ही ऐसे, मतलब कल रात से ऐसा हो रही, चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में, कल चीज़ें हो रही हैं। चलते गए इंटरनेट में देखते, शायद इसके बारे में मुझे कुछ तो पता चले, फटाफट देखते हैं। भाई मैंने सब कुछ देख लिया, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, पहले जाकर सोते हैं भाई। एक सेकेंड भाई, किसके फुटस्टेप का साउंड आ रहा है? पर चिल्ला कौन रहा है यार इतनी रात को? चलते भाई देखते हैं बाहर, कुछ ना कुछ तो हो रखा है, मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, बारिश भी आ रही है। बट अभी ये तो वही डॉल है यार जो कि मेरे कार में थी। भाई इतनी जान कैसे हो गई यार? मुझे फटाफट जाना पड़ेगा, पूरी सिटी को अलर्ट करना पड़ेगा। इसके हाथ में एक नाइफ है भाई, ये मारने आई है क्या? ये जा रही है मेरे घर की साइड, ये गई। फटाफट से पहले सिटी को अलर्ट करते हैं भाई। ओके गाइस, तुम लोगों ने सिटी अलर्ट सिस्टम में क्रिएट करा दिया, जो आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, इसके कारण कोई बाहर नहीं निकलने वाला। अगर कोई गया भाई, ये उसी साइड जा रहा है साउंड सुन के, मुझे ना इसको रोकना पड़ेगा। अगर ये सिटी की ओर गई तो भाई बहुत से लोगों को और मार डालेगी। फटाफट से यहाँ पर चलते हैं, और ये एक नॉर्मल डॉल से भाई इतनी हॉरर कैसे हो गई यार? इधर मेरे तरफ की बारे भाई, तू वहीं पर रुक जा, रुक जा, मैं मार दूंगा, रुक जा।
भाई वरना मार दूंगा। अबे नहीं, सेकंड नाइफ मार दी। अबे भाई इसने नाइफ मार दिया, बहुत तेज से लगी है और ब्लड भी निकलने लगा है यहाँ पर। फटाफट से ये इसी साइड आ रही है यार, मुझे ना फटाफट से भागना पड़ेगा यहाँ पर। रुका, वो जिंदा ही मार डालेगा अपनी नाइफ से। फटाफट से भागते हैं, अरे मेरे पीछे भागते हुए आ रहा है यार। भाग 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 भाग। ओके फटाफट चलते भाई अंदर की ओर, अपने दोस्त को फोन लगाते हैं, वही मेरी हेल्प कर सकता है। साइंटिस्ट, हमारे सिटी में एक डॉल ने अटैक कर दिया है। क्या, कैसी डॉल ने? पता नहीं, पहले वो छोटी सी डॉल थी, अब बहुत बड़ी हो चुकी है। मजाक मत करो फ्रैंकलिन। अरे इतनी रात को मजाक करने के लिए फोन थोड़ी ना लगाऊंगा। अच्छा वो दिखती कैसी है? पता नहीं, वो पहले छोटी थी। किसी तांत्रिक से बात करके तुमको बताता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने बात कर ली है, बट उसने जब मुझे नाइफ मारा था, मेरे बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा है और मुझे नींद बहुत ज्यादा लग रही है। नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो चुकी है और अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। चलते फटाफट से और अपने दोस्त से। भाई ये क्या, मैं एक ह्यूमन से स्केलेटन में कैसे बदल गया भाई? अबे ये मैं ही हूँ ना। अबे नहीं नहीं यार, साथ से मेरे आंखों में कुछ हो गया, बट नहीं नहीं मैं ही हूँ यार। भाई मैं फ्रैंकलिन से स्केलेटन बन गया। भाई फ्रैंकलिन की हड्डी और सब कहाँ गया भाई? अबे यार ये क्या हो गया, फ्रैंकलिन का कल चश्मा था। पहले अपने दोस्त से बात करते, भाई ये क्या हो गया मेरे साथ में? साइंटिस्ट, मैं स्केलेटन बन गया हूँ। फ्रैंकलिन तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। पर मैं कैसे बिलीव करूँ तुम सही बोल रहे हो? लो मैंने तुम्हें अपनी फोटो भी भेज दी, अब तो भाई यकीन हो गया होगा। पर तुम ये बड़े कैसे? मुझे नहीं पता, मैं रात में सो रहा था, सडनली सुबह उठा और मैं स्केलेटन बन चुका हूँ। अरे अरे फ्रैंकलिन रो मत भाई, मैं कुछ करता हूँ, कुछ जल्दी करो, मैं एक हड्डी बन चुका हूँ। फिर से बात करके तुम्हें बताता हूँ थोड़ी देर में। ओके गाइस, तो मैंने बात कर ली अपने दोस्त से, बट वो भी बोल रहा है वो एक श्रापित गुड़िया है और मैंने उसको पहले फिर साथ से इसलिए हो रहा है। और इसके न्यूज में भाई साथ से देख ले, बट ये क्या हुआ भाई सिटी में? अबे भाई मुझे फटाफट से देखने जाना पड़ेगा, मैं एक स्केलेटन ही ना सही, मैं एक पुलिस वाला ही हूँ, मुझे फटाफट जाके देखना पड़ेगा। बट बाहर नहीं निकलने वाला, अगर बाहर निकले तो लोग ठहर जाएंगे। एक बार आप लोग सामने की ओर देखो भाई, इतने सारे घर उस होटल में रात फेंक दिया है। भाई चलते अपने भाई सीनियर से बात करते हैं, मुझे एक टीम चाहिए होगी इसको मारने के लिए, बट कहीं ये लोग डर ना जाए यार मुझसे। चलते फटाफट से भाई बात करते सीनियर से। हेलो सीनियर, मैं हूँ फ्रैंकलिन। तुम कौन हो भाई? मैं फ्रैंकलिन हूँ। पर फ्रैंकलिन तुम स्केलेटन में कैसे बदल गए? मुझे भी नहीं पता मैं कैसे बन गया। बाहर मत निकलना वरना तुमको देख के और भी लोग डर जाएंगे। तो डरे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे अपनी सिटी को बचाना है। फ्रैंकलिन तुम्हें तो पता ही है, हमारी सिटी में अटैक किया है एक बहुत बड़ी जायंट डॉल ने। मुझे पता है, बट उसके लिए मुझे एक बहुत बड़ी टीम चाहिए इसको मारने के लिए। अच्छा ठीक है, शाम तक वो टीम तुम्हें रेडी करके मैं दे दूंगा। सच मिल जाएगी बीच में? अच्छा तुमने मुझे समझा और मुझे पहचान लिया है। भाई इससे मैंने बात तो कर लिया है और इसने मुझे बोला शाम तक तुम्हारी टीम मिल जाएगी। और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये उसी घर के लोग हैं, मतलब जहाँ पर फैमिली में उनके मारे गए चुके हैं, ये केवल अकेले बचे हैं यार। एक सेकंड भाई, ये कॉल कौन कर रहे थे? साइंटिस्ट इससे बात करते हैं। फटाफट से अपने पीछे चेक करो, उस डॉल के बारे में मैंने कुछ भेजा है। भाई उस डॉल के बारे में दोस्तों भाई कुछ तो पता चला, उसने मुझे सारे कुछ पीछे भेज दिया है। तो फटाफट से भाई चलते हैं और देखते हैं भाई क्या पता चला है। एक सेकंड, ये डॉल एक श्रापित डॉल थी और वो तांत्रिक को मैंने भाई डिस्टर्ब किया। भाई मैंने सब कुछ देख लिया है, मैं जो भी बना उस डॉल के कारण ही बना हूँ। और भाई ये क्यों कॉल कर रहा है? फ्रैंकलिन सिटी को बचा लो। अबे भाई क्या हुआ यार, कुछ ना कुछ तो हुआ पुलिस स्टेशन में। और एक सेकेंड, ये भाई डॉल कहाँ से आ गया यार? फिर से मुझे फटाफट से भागना पड़ेगा। और एक सेकेंड, यहाँ पर तो भाई आग लग चुकी है यार, और साथ से यहाँ पर पूरी आर्मी रखी थी और मेरे भाई सैनियन ने भाई सब आर्मी बुला रखी थी, बट यहाँ पर सबको मार दिया गया। भाई देखो ये पड़ो पटी साइज से मर चुका है यार, लगता है मुझे भाई ये मर चुका है। ये इसे ठीक जा रही है, मुझे अपने दोस्त से बात करनी पड़ेगी, वही मेरी हेल्प कर सकते इसको मारने में। जैसे मैंने तुम्हें बोला तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, तब जाके डॉल मर जाएगा। हाँ ठीक है। तो गाइस देखो अभी फिलहाल मुझे इससे बात हो चुकी है, इसने मुझे बोला है इसके सीक्रेट में एक बाबा रहते हैं, क्योंकि सेम टू सेम वैसे ही लग रहे हैं जैसे गाइस पहले मुझे बाबा मिले थे। मुझे तो सच से वही है और सच से वही मेरी हेल्प कर सकते हैं इसको बचाने में, और मुझे प्रोवाइड पहले जैसे ठीक कर सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं, यहीं से वो रास्ता है। ओके फटाफट से मुझे जाना पड़ेगा, थोड़ी सी लेट आउट किया उस साइज से, अगर सुबह हो गई तो मैं ऐसे भी नहीं बचूंगा यार। ये सट जा रही है, फटाफट से पकाते हैं। ओके भाई मैं एक स्केलेटन बन चुका हूँ यार, कैसे दिख रहा हूँ यार मैं? फटाफट से चलते हैं, आराम से मुझे लेके जानी बाइक को, बट जल्दी भी करना है। ओके आराम से नहीं गिर गई थी। ओके यहाँ से बस बाइक आराम से निकल जाए, हम लोगों ने 50% रास्ता कवर कर लिया है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। ओके
हम लोग बस आ ही चुके हैं, यहाँ पर जंप कराते हैं आराम से। ओके आराम से, मुझे ऐसे आराम से लेके जानी है और यहाँ से जंप करानी छोटी सी बट साइज से गलत हो गई। अबे नहीं नहीं, ओके बाहर निकल, ओके फटाफट से चलते हुए मैं गिर गया था। ओके हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, खड़े करते बाइक को और ये बैठे हो बाबा, बाबा मुझे पहले ठीक कर दो और इसको कैसे माना ये बता दो। फ्रैंकलिन तुमने मेरी पूजा में भंग डाला था, इसके कारण तुम्हें इस गुड़िया का श्राप लगा है। क्या इसकी वजह से मैं इसका एडन बन चुका हूँ? हाँ इसी के कारण। बाबा मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। अच्छा, मैं तुम्हें एक जल देता हूँ जो कि तुम्हें इसके ऊपर डालना पड़ेगा, तब जाके पहले ऐसी छोटी हो जाएगी और मर जाएगी। ओके गाइस तो मुझे जल मिल चुका है और ये जा रही है भाई वो हॉरर डॉल, पहले कितनी छोटी थी कितनी बड़ी हो चुकी है। फिर हम निकल निकालते हैं उसमें डालते हैं, मैंने जल उसमें डाल लिया है भाई, जल मेरा वेस्ट हो गया। ओके ये लास्ट ही बचा था और ये गिर चुकी है भाई, बेहोश हो गई क्या? अबे ये क्या रहा है यार, अबे नहीं मुझे क्या हो रहा भाई, अबे नहीं एक सेकंड, अबे नहीं यार मुझे फिर से लग चुकी है, काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा है और मैं ठीक हो गया। अबे मैं ठीक हो गया भाई, फटाफट चलते गाइस देखते हैं वो मरी या फिर नहीं मरी, वो डॉल कहाँ गई, चलते हुए टीम देखते हैं। मैं ठीक हो गया पहले से, स्काई डांस में नॉर्मल हो चुका हूँ और फाइनली उन्होंने इसको भाई वो चल फेंक के मार दिया है और हम लोग पैसे ठीक भी हो चुके हैं यार। ओके भाई चलते फटाफट से, मुझे इस बाबा से मिलने जाना पड़ेगा और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, गलती मेरी थी, मैं उन्हें तब से उनकी भंग नहीं करनी चाहिए थी, चलते उनसे मिलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो मजा आएगा, मजा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, तो मैं आपसे किसी नए गेम के साथ, तब तक टाटा बाय, वंदे मातरम।